से क्या गड्ढा बना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पृथ्वी से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पृथ्वी को लग रहा है ठंडा, यहाँ पर ठंडा बहुत है, एसी की कोई ज़रूरत नहीं है। कल जब हम लोग आए थे रूम में एसी के लिए बोल रहे थे, बट एसी की कोई ज़रूरत नहीं, काफ़ी ठंडा है, अभी भी बहुत ठंडा है। और अभी बजे है सुबह के 7:30। मैं तो पहले उठ गई थी, उठ के मेरा मॉर्निंग स्ट्रेचिंग वर्कआउट वगैरह की, ये लोग सोए थे, अभी उठे हैं। और हेमंत पीछे आ रहे हैं, तो हम लोग भाग के आए हैं, अभी बीच में जा रहे हैं। कल से मैं आई हूँ और बीच ही नहीं देखी हूँ, जबकि मैं बीच के लिए ही हमेशा ऐसा जगह स्पॉट ढूंढते कि बीच रहे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच में, ये है बीच का रास्ता। चलिए सोफा में बैठा के लेके जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे डॉल्फिन शो होता है, बट अभी जैसे बात किया उन लोगों से, तो डॉल्फिन अभी 2 दिन से आ नहीं रहे हैं बोल रहे हैं। लेट्स सी, हम बुक करके देखते हैं, अगर मिला तो गुड। हर वाटर स्पोर्ट्स करने वाले हो आप? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं करते। मैं उसमें जाऊँ, वो क्या बोलते हैं उसको, बट उसको बोलते क्या है, पारा ग्लाइडिंग। देखते हैं, हर हमेशा आती हूँ बीच में, वही करने का मन रहता है, लेकिन कभी करती हूँ तो आज सोचती हूँ पारा ग्लाइडिंग वही करके देखते हैं। मैं आके पहुंच गए हैं बीच, बहुत सुंदर है। ये देखिए पीछे बीच का व्यू, ये रहा पीछे बीच, और काफ़ी सुंदर है। और ये बीच पे मैंने एक अनोखी चीज़ देखा, जो मैं इतने सारे बीच में नहीं देखी हूँ। आप दिख रहे हैं कि नहीं क्या पता, ये देखिए यहाँ पर वर्कआउट के लिए है, मुझे क्या पता कि यहाँ पर है, मैं तो घर रूम में ही वर्कआउट की। देखिए वर्कआउट के लिए जिम जैसा बनाया गया है छोटा सा, और सब लेडीज सब कोई वहाँ पे वर्कआउट कर रही है। जगह बहुत सुंदर है, और यहाँ पे बैठने के लिए इस तरीके से पूरा वॉक के लिए पूरा बनाया गया है, काफ़ी सुंदर जगह है। और मतलब बीच में ऐसा किया मैंने फर्स्ट टाइम देखा, बहुत मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा। पानी बहुत दूर चला गया है, बट काफ़ी क्लीन पानी है, और रात को पानी यहाँ तक था, क्योंकि हम लोग जब रूम में थे ना, हम लोग को पानी का आवाज़ आ रहा था, तो हम वही वंडर कर रहे थे कि समुंदर का पानी का आवाज़ यहाँ तक आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा रहा। अभी चलते हैं थोड़ा बीच में, पानी में चलते हैं। पीछे बहुत अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर लग रहा है। ये देखिए पीछे बीच है, ये रहा, काफी सुंदर व्यू है यहाँ का, वाव। हम लोग को हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए। लास्ट टाइम मैं गणपतिपुले गई थी, वहाँ पर भी ऐसे ही रखा था, तो बहुत अच्छे से फोटोज़ क्लिक किए थे। तो अभी पृथ्वी का चल रहा है सन, ये भैया बहुत अच्छे से फोटोज़ ले रहे हैं, और ये रहा पृथ्वी अपना बदमाशी में लगा है। बाबू अच्छे से पोज दो। पृथ्वी इधर लगा हुआ है बदमाशी में, खेलने में, और भैया बहुत डेडिकेशन के साथ फ़ोटो ले रहे हैं, काफ़ी सुंदर फ़ोटो लिया है। बहुत जल्दी फ़ोटोज़ अपने चैनल में छोड़ने वाली हूँ, तो देखिएगा। लेट्स सी पृथ्वी कर क्या रहा है, पोज दे। ओए बच्चू, उसका रैंडम ले लीजिए भैया, वो जैसा खेल रहा है, भालू खेलते तक। देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, गड्ढा बना रहा है। ये वॉकिंग ट्रैक इतना अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतना सुंदर मॉर्निंग ट्रैक बना गया है वॉक करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर वॉक करने के लिए कितना अच्छा बनाया गया है, और यहाँ पे वर्कआउट के लिए है, तो मैं सुबह के इधर ही इक्विपमेंट के साथ वर्कआउट कर लेती थी, मुझे क्या पता कि इधर है। काफ़ी अच्छा किया है, ये देखिए यहाँ बीच है और ये वर्कआउट ट्रैक है, और ये रहा श्रीवर्धन। वाह, ये बीच मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, नीट एंड क्लीन है बैठने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे बैठने के लिए सब बनाया गया है, काफ़ी सुंदर है, मतलब शाम को आके आप आराम से इधर बैठ सकते हैं, श्रीवर्धन। फ़ोटोज़ का बहुत झमेला हो गया था, फ़ोटोज़ क्लिक तो हो गए, बट फ़ोटोज़ हमारे क्लिक तो हो गए, बट पता नहीं सैमसंग में क्या प्रॉब्लम हुआ मेरा, कि उनका ये में वो सारे डिलीट हो गए, तो दोबारा हम फ़ोटो शूट किए। और ये देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से खाने के बहुत सारे शॉप बनाए गए हैं, जहाँ से आप फूड ले सकते हो ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे, एज़ यूज़ुअल हेमंत आए नहीं, क्योंकि हेमंत को ना बीच बिल्कुल नहीं पसंद,
मेरा और हेमंत में एक ही चीज़ मतलब अलग होता है कि मुझे बीच आना बहुत पसंद है और हेमंत को बीच में आना पसंद है, मतलब ऐसे पानी में डूबना ये सब पसंद है। उनको पसंद है माउंटेन एरिया जाना, जैसे एकदम डेंस जंगल हो गए माउंटेन एरिया में जाना, और मुझे माउंटेन में जाना एकदम अच्छा लगता है। बट अगर कंपेयर करो बीच और माउंटेन में तो मैं बीच चूज़ करूँगी। और पृथ्वी का क्या है, सब पसंद है, सब पसंद है, वो मेरा साथ देता है। तो अभी जा रहे हैं रूम में, हेमंत के बार बार कॉल आ रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ, और बहुत ज़ोर से भूख लगा है, 9:30 बज गए। और मैं जितना भी बीच देखी हूँ ना, सबसे मुझे एक तो पूरी का बीच मेरा फेवरेट है जहाँ से मैं हूँ उड़ीसा से, और ये बीच मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, जो लोग बीच में नहीं जाना चाहते उन लोग आराम से बाहर बैठेंगे बैठने के लिए, इतना अच्छा बनाया गया है। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मॉर्निंग आने से इतना अच्छा वर्कआउट यहाँ पे हो सकता था, तो कोई नहीं, काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। चलिए रूम में जाते हैं, चेंज करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी हम लोग रूम में आके फ्रेश हो गए और आराम से बालकनी में बैठे हैं, और यहाँ से बीच दिख रहा है, कल समझ में नहीं आ रहा था। ये देखिए हटोमो, ये देखिए वो रहा बीच, दिख रहा है, मैं जूम करती हूँ, ये देखिए यहाँ पर है बीच, हम बीच के इतने करीब है। रात को लिटरली आवाज़ आ रहा था ऐसे समुंदर का। और अभी ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ऑर्डर किया है, यहाँ पर मोदक मिलता है हमने से, तो ये देखिए ये मोदक ऑर्डर किए हैं, ये रहा मोदक, ऑमलेट, पोहा और ब्रेड।